हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस एंड हेनरी लॉ। यहां पर एक कंटेनर है जिसमें एक गैस लिक्विड की सरफेस पर इक्विलिब्रियम में है और यहां पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है। अब अगर हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो ये जो पिस्टन है इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं इस इंक्रीज प्रेशर के कारण क्या होता है। इस इंक्रीज प्रेशर के कारण जो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले लिक्विड की सरफेस से ऊपर थे वो अब ज्यादा डिजॉल्व हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सॉल्वेंट आर लेसर, इधर वो इंक्रीज हो गए हैं। तो आई कैन से कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस हैज इंक्रीज इन द लिक्विड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। इसी चीज को हेनरी ने एक लॉ के रूप में दिया। उसने कहा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और द सॉल्यूशन। यहां पर एक लिक्विड गैस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो हम देखेंगे नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है वो इंक्रीज हो गए हैं। इसी चीज को हेनरी ने बोला दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू के एच इंटू काई। के एच को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट एंड पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। दैट मीन्स जो गैस के पार्टिकल्स अबव द सॉल्यूशन है उसका पार्शियल प्रेशर एंड काई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। दैट मीन्स जो गैस के पार्टिकल्स यहाँ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड हैं उनका मोल फ्रैक्शन। इस फॉर्मूले को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस का वेपर फेज का प्रेशर है, दैट मीन्स द गैस पार्टिकल्स विच आर नॉट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, और जो काई है वो गैस का सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड फेज में मोल फ्रैक्शन है। के एच जो कि हेनरीज लॉ का कॉन्स्टेंट है वो नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर किसी गिवन प्रेशर या कॉन्स्टेंट प्रेशर पर के एच की वैल्यू हम इंक्रीज कर दें तो सॉल्युबिलिटी काई डिक्रीज हो जाएगी। इसको इस तरह से समझते हैं, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, अगर के एच की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रखने के लिए काई की वैल्यू कम हो जाएगी, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो के एच इंक्रीज होता है, जिसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका एक और मतलब है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। आप सभी ने एक्वेटिक एनिमल्स तो देखे ही होंगे जो पानी और समुद्र के नीचे रहते हैं। अब हमें पता है टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, दैट मीन्स जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी वाटर के अंदर वो लो टेम्परेचर पर ज़्यादा होगी। इसका मतलब है जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनको लो टेम्परेचर पर पानी के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। इसको एक और तरीके से समझिए, कभी भी आप देखेंगे पानी में ऊपर की सतह पर कोई एनिमल आपको तैरता हुआ नहीं दिखता, सारे एक्वेटिक एनिमल्स नीचे दिखते हैं पानी की सतह से। क्यों? क्योंकि पानी की ऊपरी सतह जल्दी गर्म हो जाएगी और जो नीचे की सतह है वो देर से गर्म होगी। दैट मीन्स नीचे की डेप्थ पर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ज़्यादा होगी, सो एनिमल्स विल गेट सफिशेंट ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड दे विल बी मोर कम्फर्टेबल। अगर हम किसी भी गिवन सिस्टम में पार्शियल प्रेशर पी एंड काई का कर्व प्लॉट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा के एच के बराबर, विच इज हेनरीज कॉन्स्टेंट। अब हम
हेनरीज लॉ का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी। यहां पर हमारे पास दो कोल्ड ड्रिंक हैं। एक कोल्ड ड्रिंक रूम टेम्परेचर पर है और एक कोल्ड ड्रिंक ठंडी है। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 डिजॉल्व होती है। अब हम देखते हैं जब आप कोल्ड वाली कोल्ड ड्रिंक को ओपन करेंगे तो क्या होता है और जब रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक को ओपन करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए जब आप ठंडी वाली कोल्ड ड्रिंक को ओपन करेंगे तो इस केस में जो गैस के बबल्स हैं वो आप देख सकते हैं सरफेस पे आ गए हैं। अब हम रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं। जब इसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे किस प्रकार से गैस के बबल्स निकल रहे हैं। यहां पर आपने देखा कि गैस के बबल्स ज्यादा हैं कंपेयर टू दी ठंडी वाली कोल्ड ड्रिंक। दैट मींस हम कह सकते हैं इस केस में लेस CO2 डिजॉल्व है क्योंकि सारी गैस बाहर आ गई है और ठंडी वाली कोल्ड ड्रिंक के केस में ज्यादा CO2 डिजॉल्व है क्योंकि कम बबल्स हमें ऊपर दिख रहे थे। इसी कारण से जब आप एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसका स्वाद अलग लगता है और एक रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसका स्वाद थोड़ा मीठा लगता है क्योंकि इसकी गैस बाहर निकल गई होती है। हेनरीज लॉ का एक और एप्लीकेशन स्कूबा डाइविंग इन वाटर में दिखती है। जब डीप सी में डाइवर होता है तो प्रेशर बहुत हाई होता है। हाई प्रेशर के कारण सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड इंक्रीज कर जाती है। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है तो उनकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाती है। अब जब ये डाइवर वापस सरफेस पे आता है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल पे आता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि प्रेशर कम होता है। इस कारण से सडन चेंज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड्स एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे बेंड्स कहते हैं। बेंड्स में जोड़ों में या कि बॉडी के जॉइंट्स हैं उनमें बहुत तेजी से दर्द होना चालू हो जाता है। हेनरीज लॉ का एक और एप्लीकेशन रियल लाइफ में हमें गर्म पानी और ठंडे पानी में देखने को मिलता है। जो गर्म पानी होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसके कारण से इसमें जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, और जो ठंडा पानी होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेस ज़्यादा डिजॉल्व होती हैं। अब दोनों केसेस में क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिफरेंट है तो पानी का टेस्ट भी हमें अलग अलग लगता है।